सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आत्महत्या की पहेली को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच मुंबई पुलिस ने 3 घंटे तक बॉलीवुड के जाने माने निर्माता व निर्देशक संजय लीला भंसाली से पूछताछ की है। इस पूछताछ में संजय लीला भंसाली का बयान भी दर्ज किया गया है और बयान में जो उन्होंने बातें लिखवाई हैं वो काफ़ी चौंका देने वाली हैं। बयान में संजय लीला भंसाली ने बताया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को करीब 4 फिल्मों में साइन करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। क्या थी वो वजह, हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के जाने माने निर्माता व निर्देशक हैं। जाहिर सी बात है, हर बॉलीवुड का छोटा बड़ा कलाकार उनसे जुड़ना चाहता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को 4 फिल्मों से रिप्लेस कराने की बात को लेकर पुलिस को उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेट्स उनके प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध नहीं थी, इसलिए किसी और एक्टर को रोल ऑफर किए गए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभिनेता की मौत की जाँच में परिवार, दोस्तों, सह कलाकारों और करीबी सहयोगियों सहित 34 लोगों के बयान लिए गए हैं और उन्हीं में से एक है संजय लीला भंसाली। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक संजय लीला भंसाली का कहना है कि उन्होंने 4 फिल्मों के लिए सुशांत सिंह राजपूत को फाइनल कर लिया था, लेकिन उनके पास डेट्स ना मिलने के कारण उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दूसरे अभिनेताओं के साथ रिप्लेस कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तब काफ़ी सारी सुर्खियाँ छाई थी कि बॉलीवुड के तमाम निर्माता निर्देशक पहले तो सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्मों में कास्ट कर लेते थे, लेकिन भाई भतीजावाद के कारण उन्हें फिल्मों से आउट भी कर देते थे और यही निशाना संजय लीला भंसाली पर भी आ रहा था। लेकिन पुलिस को दिए बयान के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने साफ तौर पर कह दिया कि हाँ, मैंने 4 फिल्मों में सुशांत सिंह राजपूत को रिप्लेस किया था। लेकिन इसके पीछे की वजह का हवाला देते हुए संजय लीला भंसाली ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास उन 4 फिल्मों के लिए डेट्स नहीं थी, इसलिए मुझे उन अभिनेताओं के साथ रिप्लेस करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि संजय लीला भंसाली ने रामलीला फिल्म के लिए सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था, लेकिन बाद में ये फिल्म रणवीर सिंह के झोले में आ गई थी। ये फिल्म बनी और फिल्म सुपर डुपर हिट भी साबित हुई।